Assalamu alaikum dear students of 9th class. I am your concerned history teacher Sajjad Ahmad. Hope all are doing well at your homes. So far as today's second lecture is concerned, we are going to discuss about Zanskar Range. It is on page number 67 of your geography textbook. This range forms the southern flanks of Sindh Valley and is drained by Zanskar River. द्रास द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस इज ऑल्सो फाउंड इन दिस रिजन यानी कि जनसका रेंज का ये सिलसिला वादी सिंध के जनूबी अतराफ बनता है और दरियाई जनस्कार से नकाशी का शिकार है यानी कि ये जनसकर वैली से ही जनसका रिवर से ही बहता है दुनिया का दूसरा सरद मुकाम ग्रास को कहा जाता है जो इसी खिते में पाया जाता है इसके बाद हम पढ़ेंगे द लद्दाख रेंज दिस रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द इंडस एंड द श्योक रिवर्स इट फॉर्म्स अ प्रोमिनेंट रेंज इन द ट्रांस हिमालयन रीजन यानी कि लद्दाख रेंज का जो ये खिता है इसका सिलसिला सिंध और श्योक दरियाओं के दरमियान वाका है ये ट्रांस हिमालय के खत् में एक नुमाया हद बनाता है यानि कि जो हिमालय रिजन है ना ये चेना को बिलोंग करता है तिब्बत को बिलोंग करता है यानी कि इसी रेंज में पड़ता है इट स्ट्रेच फ्राम द इंडस बैन शार्पली एंड कट इज थ्रू इट सेपरेटिंग इट फ्राम जनसका रेंज इन रुशपू यानी कि यह सिंध के मोर से तेजी से फैला हुआ है और इसे रुषपु में जनस्कार रेंज से अलग करता है इसके बाद हम पढ़ेंगे द काराकोरम रेंज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट टू द रिवर शियॉक इन द ईस्ट यानी कि काराकोरम रेंज का सिलसिला शुमाल मगरब में दरियाई हंजा से मशरक में दरियाई शियाक तक फैला हुआ है इट मे एप्टली बी कॉल्ड एज क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट द क्रस्ट लाइन इज कवर्ड विद स्नो विद नंबर ऑफ जेंट ग्लेशियर्स क्राउलिंग स्लोली डाउन द स्लोप यानी कि इसे मुनासिब तौर पर जमीन की शनिंग क्रस्ट कहा जा सकता है तकरीबन पूरी क्रस्ट लाइन दायमी बर्फ से ढकी हुई है जिसमें लंबी चोरी ग्लेशियरों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता डलवान से नीचे खिसक रही है इसके बाद पढ़ना हमें बच्चों चिन रिजन अक्साई एक्साइचिन रीजन सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ लद्दाख ईस्ट ऑफ रिवर शियोक इज ऑल्सो नोन एज ली टेंग प्लान यानी कि दरियाई शियोक के मशरिक में लद्दाख के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ अक्साई चिन इलाके को लंगजी टैंग या लंगजी तांग भी कहा जाता है इसके बाद है गिलगित एंड बल्तिस्तान जियोग्राफिकली गिलगित एंड बल्तिस्तान आर सिचुएटेड इन द ट्रेनस हिमालयन रिजन ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर ऑफ कश्मीर वैली इट इज़ हाईली माउंटेनियस रिजन द रिजन इज़ होम टू वर्ल्ड्स हाइस्ट माउंटेनस रेंज लाइक कराकोरम वेस्टर्न हिमालिया पामिर माउंटेंज एंड हिंदू कुश यानी कि जग्राफियाई लिहाज से गिल और बल्तिस्तान वादी कश्मीर के शुमाल मगरबी राहदारी पर परस हिमालय के इलाके में वाका हैं ये इंतहाई पहाड़ी इलाका है ये इलाका दुनिया के चंद बुलंद तरीन यानि कि ऊंची पहाड़ियों के सिलसिलों जैसे कराकरम मगरबी पमीर पहाड़ियों और हिंदूकश का घर भी से कहा जाता है इट हैज सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाइस्ट माउंटेन पीक्स लाइक द सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड के टू माउंट गॉडविन ऑस्टिन एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टेन मीटर्स एबो मीन सी लेवल कि गिलगित और बल्तिसान की इस रेंज में दुनिया की कुछ बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां है जैसे कि के टू यानी कि जिसे माउंट ऑस्टिंग गोदविन भी कहा जाता है जो सी लेवल से कितने ऑल्टीट्यूड पे वाक़ है 8610 मीटर यानी कि माउंट एवरेस्ट जो पहले नंबर पे है वो सी लेवल से कितने आल्टीटूड पे वाक़ा है आठ हजार छह सौ ग्यारह या बारह मीटर इट इज़ द वर्ल्ड इज मोस्ट फेयर्ड माउंटेन पीक सम ऑफ द वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लाइक बाइपो द बालतोड़ा एंड बातूरा लाई हेयर दिस रीज़न इज ड बाई दिलगित हुर ट्रिब्यूटरीज ये दुनिया की सबसे खूब ज़्यादा पहाड़ी चोटी है दुनिया के कुछ अहम ग्लेशियर जैसे बियापू बालतूरा और बातूरा यही वाका है इस खिते से और भी दरिया बहते हैं जैसे सिंध यानी कि इंदस गिलगित हुंजा, शिया और दूसरे मावन दरिया बहते हैं यानी कि दूसरी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं क्लाइमेट की द क्लाइमेट ऑफ द यूनियन टेरीटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स लाइक आल्टीट्यूड लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स एंड फिजियोग्राफिक कंडीशन वैसे तो आपको क्लाइमेट के बारे में पता ही होगा कि क्लाइमेट किस तरह से असर अंदाज होता है क्योंकि आपने आल्टीट्यूड को भी समझा है लेटीट्यूड को भी समझा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल को भी समझा है लेकिन आपने क्लाइमेट चैप्टर नंबर फोर मानसून लेवल पे पढ़ा यानी कि इंडिया में मानसून किस तरह से आते हैं कहाँ पे ज्यादा बारिश पड़ती है क्यों होती है लेकिन इस बार हम अपने मरकजी जेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और मरकजी जेर इंतज़ाम लद्दाख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं है, खसूसा तौर पर तो यहाँ पे भी आप इसे अच्छे से समझोगे कि कहता है कि मरक़ के जैली इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर और मरक़ के जेल इंतजाम इलाका लद्दाख की आब हवा ऊँचाई अरज बलद समंदर से फ़ासला मौजूदा हवाओं के असर और फिजियाग्राफिक हालात जैसे अवामिल से कंट्रोल होती है Though the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh lie in the subtropical belt, but owing to varied topographic features, snow clad mountains, and on the basis of above mentioned factors, they are divided into the following climatic zones. Jammu, Kashmir, or ke, ke in Ilake. ज़ेली ट्रॉपिकल बेल्ट में वाका हैं लेकिन मुख्तलिफ जोग्राफियाई खूसियात बड़पोश पहाड़ों और मजकूरा बलामिल की बुनियाद पर वो मनरजा ज़ेल मौसमी इलाकों में तकसीम होते हैं जैसे कि सब ट्रॉपिकल जम्मू टेम्परेट कश्मीर आर्टिक लद्दाख गिलगित एंड बल्तिस्तान तो प्यारे बच्चों इनको हम लेक्चर नंबर थर्ड में अच्छे से डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा अब जब क्या आपको कहीं समझ समझना आया हो या आपका कोई सवाल बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए वहाँ पे कमेंट कीजिए कमेंट नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ